अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नीलोस किचन। आज मैं आपको पोमेग्रेनेट सूफ्ले की रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें शुगर, पोमेग्रेनेट जूस, जेलेटिन, कोई भी रेड फ्लेवर जेली, मैं स्ट्रॉबेरी जेली यूज़ कर रही हूँ, एवोपरेटेड मिल्क 1 टिन और डबल क्रीम, और गार्निशिंग के लिए पोमेग्रेनेट। सोक जेलेटिन इन 1/4 कप वाटर। 1/4 कप वाटर में जेलेटिन को जो है ना कुछ देर के लिए भिगो देंगे। 1 कप अनार का जूस हम सॉस पैन में डाल रहे हैं। इसके साथ 1 पैकेट जेली, बिल्कुल और साथ ही जो है सो किया हुआ जेलेटिन हम इसमें ऐड कर रहे हैं। लो फ्लेम पर हम इसे उस वक्त तक कुक करेंगे जब तक ये जेली और जेलेटिन पोमेग्रेनेट जूस में डिसॉल्व ना हो जाए। हॉट स्लो फ्लेम पर जेली और जेलेटिन डिसॉल्व हो गए हैं। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे लेकर आएंगे। ब्लेंडर में 1 टिन एवोपरेटेड मिल्क ऐड करेंगे जो कि चिल हो। फोर टेबलस्पून शुगर और इसे कुछ देर के लिए ब्लेंड करेंगे। कुछ देर ब्लेंड करने के बाद हम इसमें जो हमने जेली और पोमेग्रेनेट रेडी किया है वो इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही ये मेरे पास 284 ml की डबल क्रीम है जिसका मैं हाफ कंटेंट जो है वो इसमें ऐड कर रही हूँ और हाफ जो है वो मैं गार्निशिंग के लिए रख रही हूँ। इसके बाद हम इन सब चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड करेंगे। इसे इतना ब्लेंड किया कि ये सारी चीज़ें जो है वो एक साथ मिक्स हो गई हैं। 5 to 8 मिनट इसे ब्लेंड करने के बाद अब हम इसे डिश आउट करेंगे सर्विंग डिश में, जिसमें आपने सर्व करना है उसमें ये आप सब ऐड कर दें और फिर इसको 6 to 8 hours, और जब तक ये सेट नहीं हो जाता, ओवरनाइट जो है वो ज़्यादा बेटर है, आप इसे फ्रिज में रख दें। जब सूफ्ले सेट हो जाए उसे व्हिप्ड क्रीम के साथ और पोमेग्रेनेट के साथ गार्निश करें और फिर इसे सर्व करें। सॉफ्ट वेलवेटी पोमेग्रेनेट सूफ्ले रेडी है सर्व करने के लिए। इंजॉय करें, ट्राई करें और फिर मुझे अपना फीडबैक नीलोस किचन में दें। सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल वीडियोस देखने के लिए, और मेरे ब्लॉग का एड्रेस है neelofarnaeem.blogspot.co.uk। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।